सुल्तानपुर सराफा व्यापारी लूट में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद कई सवाल खड़े हो रहे। कहा जा रहा है कि मंगेश का एनकाउंटर बस इस वजह से हुआ है क्योंकि वो यादव समाज से। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए घटना की जानकारी। पुलिस के मुताबिक मुखबिरों ने यह बताया कि आरोपी मंगेश यादव अपने एक साथी के साथ सुल्तानपुर से जौनपुर की ओर भाग रहा। इसी दौरान एसटीएफ और पुलिस की टीम ने उसे घेरने की कोशिश, मगर वो मरने और मारने को तैयार हो गए और फायरिंग करने लगे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मंगेश ढेर हो। पुलिस के मुताबिक मंगेश के साथ ह्यूमन राइट्स की सभी नियमों का पालन किया गया और मानवता भी दिखाया गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि अपनी जान पर खेलकर पुलिस और एसटीएफ के किन अफसरों ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो इस ऑपरेशन को एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेंद्र कुमार शाही लीड कर रहे थे। उनके साथ इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर महावीर सिंह, सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी, सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, मुख्य आरक्षी नीरज पांडे, सुशील सिंह, राम निवास शुक्ल, आरक्षी अमित त्रिपाठी और आरक्षी अमर श्रीवास्तव ने अंजाम दिया। सुल्तानपुर से महेश शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।